अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और हमेशा अच्छे रहना, तंदुरुस्त रहना और बिल्कुल अच्छा खाना खाना, लाइट खाना खाना, कम मसाले खाना। तो क्या इरादा है फिर? कम मसाले और टेस्टी वाला फूड कहाँ मिलेगा आपको पता है ना? साहिरा सत्यानी चैनल पे जो किचन का स्पेशल है, बिकॉज मेरे दो चैनल्स हैं तो स्पेशली आपको बताना पड़ेगा कि जो किचन का चैनल है वहाँ पे सिर्फ आपको किचन की ही चीजें मिलेगी, अच्छी अच्छी फूड मिलेगा, अच्छी अच्छी न्यू टाइप की स्पेशली रेसिपीज मिलेगी एंड सिंपल और कम मसाले में टेस्ट वाली जो हमारे हेल्थ को बहुत इफेक्ट कर रहा है। और मेरे बेटे को पता है, उसको भी मैंने सिखा दी हूँ कि जिम से आता है, मुझे बोलता भी नहीं और झटपट झटपट अपनी रेसिपीज बनाते रहता, तो देखो उसके मुंह से निकल गया झटपट। तो थैंक यू बेटा मुझे याद दिलाने के लिए। तो आ जाइए, आज मैं स्पेशली क्या बना रही हूँ तो वो आपके साथ, तो जो मैं स्पेशल बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पर मैंने देखा है जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ बाहर, तो वो मेरी जो सिंपल रेसिपी रहती है उसकी भी बहुत तारीफ करते हैं। तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार करते हो और उसके साथ आप जो मैं मेहनत करती हूँ उसके अंदर जो इफेक्ट रहता है वो आप बराबर से देखकर उसके अंदर इफेक्ट डालते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आ जाइए, मैं रेसिपी क्या बना रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे आप यहाँ पे सारे मसाले, और ये जो है ये जौला बोला जाता है, गिल्ला जौला, एक्चुअली सूखा जौला भी है मेरे पास। चलिए मैं एक नजर आपको दिखाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हम लोग ये हमेशा स्टोरेज करके रखते हैं। ये देखिए, जैसे बरसात का टाइम होता है तो मोस्टली फिश नहीं आती है, तो ये इस तरीके से ये वाला सुखा कर इसको स्टोरेज किया जाता है, सालों साल स्टोरेज रहता है ये। और जब बरसात होती है ना, तो बरसात के टाइम पे ये थोड़ा झुंझनाट वाला बना के, जैसा वो दादा मुझे बता रहे थे ना कि लहसुन मिर्ची टाका है, तो मतलब खूब मजा है ना। तो जो कोली लोग, महाराष्ट्रियन लोग होते हैं, वो झंझनाट वाला खाते, तो दादा आपने मुझे बताया तो था, लेकिन मैं थोड़ा सा मसाला कम खाती हूँ, तो इसीलिए मैं मेरी स्टाइल वाला बना के डालने वाली हूँ। तो और इंशाल्लाह कभी सिर्फ आप लोगों के लिए रेसिपी बनाऊंगी ना, ये सब तो झंझनाट वाला बताऊंगी मैं। तो ये वाला वो इसको कहते हैं महाराष्ट्र में जौला, और बहुत लोग खाते इसे, इसको गीला जौला और इसको सूखा जौला। तो इसको लेके मैं दो रेसिपी बनाने वाली हूँ, मैं खुद भी बहुत खाना पसंद करती हूँ इसके कटलेट्स, और स्पेशली जो हमारे यहाँ कैथलिक लोग हैं वो स्पेशली इसके कटलेट्स बनाते हैं और मैं उनके से मंगा कर खाती हूँ। और इसके साथ में चावल की रोटी वगैरह जो सूखा बनेगा ये मसाला, उसके साथ चावल की रोटी बहुत ज्यादा टेस्ट देती है। तो जी ने ये देखा तो बोला कि मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए फिर मैं पहले आपको इसका मैरिनेट बता देती हूँ, बिकॉज जो कटलेट्स बनाना है उसका मैरिनेट बना के हम रख देते हैं, क्योंकि मैरिनेट अगर बना के हम रख देंगे तो सारे जो मसाले हैं इसके साथ में मिक्स होकर और अच्छा टेस्ट देगा। और उसके बाद इसका थोड़ा सा मैं मसाले वाला बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको कटलेट्स की जो मसाले हैं सारे वो मिक्स कर लूँ, उसके बाद में फिर जो जौला मसाला तो वो मैं नेक्स्ट करूंगी। तो चलिए मैं पहले शुरू करती हूँ कटलेट्स मैरिनेट कर। सबसे पहले मैं कटलेट्स रेडी करने वाली हूँ, तो उसके लिए सारे मसाले मैरिनेट करने होंगे। तो मैं एक एक करके पहले आपको मसाले बता देती हूँ, और उसके बाद इसको मैरिनेट करके हमको इसको रखना है साइड में। तो सबसे पहले मैंने लिया है आलू, उसको बॉइल करके मैश कर ली हूँ। उसी के साथ में मैंने प्याज ली हूँ और इसको बहुत बारीक चॉप कर ली हूँ। और ये लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और उसी के साथ में मैंने जो जौला है इसको एक पानी से बॉईल करके उसका पानी फेंक दियो, और ये हल्का बॉईल किया हुआ जौला है। और उसी के साथ साथ सूखे मसालों में लगेगा चाट मसाला, नमक, बस इतना ही मसाला लगने वाला है मैरिनेट करने के लिए। और ये जो लिली प्याज होती है बिल्कुल बारीक बारीक आप काट लीजिए, और इसके अंदर इसको भी लेके आप मैरिनेट करके इसको रखना है। पहले आप ले लीजिए आलू, आपको और इसको आलू को बारीक करना है, मैं जस्ट ऐसी कर इसमें रखी हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर जो हमने चॉप की हुई प्याज है वो ले लीजिए आप, और उसी के साथ में जो लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया भी चॉप किया हुआ ये ले लीजिए, ये तो बहुत ज्यादा टेस्ट देता है। मसाला है ये चाट मसाला, पूरा ले लीजिए। ऐसे भी आपको पता है कि कोई भी अगर कबाब टाइप के हम वेज हो या नॉन वेज बनाते हैं, तो चाट मसाला क्या किस चीज का काम करता है, चटपटा चट स्वाद देने का काम करता है। और इसी के साथ आप ले लीजिए नमक, ये हमारा नमक। अब आप लीजिए जौला, जौले को तो एक्सक्यूज नहीं करना पड़ेगा, हमें हाथ ही यूज करना पड़ेगा। ये लीजिए जौला, ये प्याज जो है ये आप थोड़ी सी ऐसे ले लीजिए, ये जो पत्ते वाली पीस है वो भी है, और जो पीछे का उसका प्याज का जो ओरिजिनल पीस होता है ये वाला, ये भी लेना है आपको। चलिए ये दोनों ले लीजिए। अब आप इसको अच्छे से, आपको ये सारी चीजों को बिल्कुल हाथ में एकदम आपकी ताकत लगनी चाहिए मैश करते वक्त, क्योंकि सारी चीजें पानी छूटना चाहिए और इसी पानी में ये सारी चीजें मिक्स होनी चाहिए।
ये देखिए इस तरीके से पूरा इसको मैरिनेट आपको हाथ से ही करना है, और आपको ये देख के लग ही रहा होगा कि मुझे कितनी ताकत लगी होगी सारी चीजों को मिक्स करने में। और एक चुटकी भर हल्दी मैंने इसमें डाल ली थी क्योंकि थोड़ा सा कलर बहुत अच्छा लगेगा। बाकी ये सब चीजें जो मैं बताई हूँ इसी तरीके से आपको लेके बस बहुत इस तरीके से आपको बहुत ताकत लगा के इसका पानी छूटना चाहिए और उसी पानी में सारी चीजें ये मैरिनेट होनी चाहिए। अब इसको आप रख दीजिए, जब आप लास्ट में सब काम से पकाने से फ्री हो जाओगे उसके बाद ही लास्ट में आप कटलेट्स बनाना, क्योंकि गर्म और क्रंची कटलेट्स बहुत ज्यादा टेस्टी लगते। तो चलिए अब मैं बना रही हूँ दूसरा मसाले के में क्या मसाले लगने वाले, चलिए पहले वो एक बार आपको बता दी। जैसे कि बॉईल किया हुआ जौला यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसी के साथ ड्राई मसाले आप पहले देख लीजिए। रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर बिल्कुल जरा सा लेना क्योंकि इसका कलर बिल्कुल लाल दिखना चाहिए, तो टर्मरिक पाउडर जरा सा, और मिक्स गरम मसाला जो आपके घर में अवेलेबल होगा वो, और उसी के साथ ये लगेगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यहाँ पे है कोकम, और आपके स्वाद के अनुसार नमक, और इसी के साथ साथ बहुत सारे चॉप किए बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमेटो और चॉप की हुई प्याज। और ऊपर जैसे हम कोई भी सालन बनाए या कोई भी सब्जी बनाते तो उसके ऊपर हम हरा धनिया छिड़कते, पर इसके ऊपर स्पेशली ये जो लिली प्याज होती है ये छिड़का जाता है। तो चलिए फिर मैं अब इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से तैयार होता है। चलिए तेल मैंने रख चुकी है और तेल माशाल्लाह अच्छा गर्म होना चाहिए तेल, और जब जैसे एकदम फुल गर्म हो जाए तेल तो आप जो हमारी चॉप की हुई प्याज है वो आप इसके अंदर डाल लीजिए। बिस्मिल्लाह, इसको भूनना है हमको। इसको भूनने के बाद इसी के साथ साथ हमको करना है टमेटो ऐड, तो थोड़ा सा पहले मैं इसको प्याज को भून लेती हूँ। कटलेट्स रेडी कर रही हूँ, तब तक मसाला भूनने तक मैं बोली कटलेट्स रेडी कर लूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप दे सकते हो आपको जो पसंद है, क्योंकि किचन के जो काम होते हैं ना ये हमारे पर बोझ नहीं होते, एक तरीके का हुनर होता है। तो आपके दिल की जो भी चीजें रहती है आप इसपे उतार सकते हो। जैसे हम खाना निकालते हो, सैलेड बनाते हो, तो आपकी दिल में जो भी कलर्स है या फिर कोई डिजाइन है तो उसको आप एक आकार दे सकते हो, एक रूप दे सकते हो, एक कलर दे सकते हो। तो किचन का काम जो होता है ना वो हमारा हुनर को दिखाने का काम होता है। तो चलिए फिर इसमें मैं आपको, मैं तो प्योर कटलेट शेप भी दे रही हूँ, बट अगर आप चाहो तो आप दूसरा भी शेप दे सकते हो। और आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आपने हमेशा देखा होगा कि जो आलू के कटलेट्स होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, ये जो फिश के कटलेट्स होते हैं हमेशा आपने देखा होगा जैसे हम मैगी में खाने जाते हैं तो भी उसकी जो पीस होती है वो पतली होती है, तो इसको हमेशा आप पतला ही रखना। और इसमें आलू भी बॉईल थे और हमारे जो जौला था वो भी बॉईल था, तो इसमें सारी चीजें बॉईल है, खाली हमको इसको बस शैलो फ्राई करना है हमको। और चलिए फिर मैं बना रही हूँ कटलेट्स के शेप। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने दिल की जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है ना आप अपने किचन में जब कुकिंग करते तो वो जरूर उसके अंदर उतारना, तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा रंग और कौन सा रूप लेता है वो चीज। इस तरीके से हमको कांदा चाहिए ना लाल ना व्हाइट, मीडियम वाला कलर आना चाहिए। और जो हमने चॉप किए हुए टमेटो है आप इसके अंदर टमेटो डाल लीजिए, और टमेटो को हमको बिल्कुल भी सॉफ्ट करना है, जैसे इसका एकदम जो स्मूथ हो जाते हैं ना टमेटो गल के, उस तरीके के टमेटो गलने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा पता है आपको, इसी के अंदर आपको सॉल्ट ऐड करना होगा तो वो स्मूथपन जल्दी से जल्दी आ जाएगा। जो कोकम लिए है हमने वो कोकम डाल लीजिए आप, और उसी के साथ साथ जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ये भी ले लीजिए आप, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताई थी कि टर्मरिक पाउडर बिल्कुल कम लेना है हमको, ये ले लीजिए आप। और अब आ गई हमारी चिली पाउडर, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया था ये भी ले लीजिए आप, और आ गया हमारा रेड चिली पाउडर। सॉल्ट वॉल्ट सब चीज डाल दी, अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए सब, और टमेटो के साथ साथ मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और टमेटो भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जिस तरीके का हमको मसाला चाहिए तो पूरा मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। आपने देखा कि टर्मरिक पाउडर मैंने बिल्कुल जरा सा डाली क्योंकि हमको इसका जो कलर है वो रेड चाहिए, तो रेड कलर में जैसे आने के लिए आप रेड चिली पाउडर के साथ थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी ले लीजिए, कश्मीरी मिर्च कलर का काम बहुत अच्छा करती है। ये देखिए मसाला बिल्कुल जैसे मैं आपको बोल रही थी कि नमक डाल के आप टमेटो को प्याज को एकदम सॉफ्ट करना है, इसी तरीके से सारा तेल भी छूटना चाहिए। और उससे मसाले भूनते वक्त आप थोड़ा थोड़ा उसमें पानी जरूर ऐड करना, नहीं तो मैंने पानी ऐड करते हुए नहीं दिखाई तो आप मसाला खराब हो जाएगा। फिर ये पानी डाल के जब मसाला भूनते रहे तो इस तरीके से सॉफ्ट भी हो जाता है और जितना हमको गीला चाहिए उतना गीला हो जाता है। और अब इसके अंदर जो हमने जौला है इसको हमने पहले ही इसको बॉईल करके रखा हुआ है, तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना शुरू कर दीजिए और मसाले के साथ मिक्स भी करते रहिए, आँच आपकी स्लो होनी चाहिए।
ये लीजिए, चलिए मैं हाथ से डालती हूँ इसके अंदर। माशाल्लाह। और खुशबू कैसे आ रही है अम्मी? मैं बोलने ही वाला था, अभी बोलने वाला था, क्या खुशबू आ रही है, मैं भी खाऊंगा थोड़ा। देखो मसाला और ये सब चीजें आप देख ही रहे होगी, जब जैसे ये मिक्स हो रहा है तो मसाले की रॉयलपन जो है वो आपको दिख ही रहा होगा। और जितना भी जोला है आप पूरा इसमें डाल लीजिए, और फिर अगर जितना मेरे पास जितना है मैं वो आपको बता रही हूँ, और अगर आपकी क्वांटिटी के हिसाब से बनाओगे तो उसके हिसाब से आप मसाले थोड़े बढ़ा लेना या फिर कम होगा तो कम कर लेना, पर मसाले सेम मैंने आपको बताई। ये देखिए मैंने पूरे जोला मसाले के साथ मिक्स की हूँ, आपको साइड में थोड़ा पानी लग रहा होगा, तो अभी मैंने इसके अंदर पानी डाली हूँ क्योंकि मसाला और जोला सारे मिक्स होके अच्छे से पकना चाहिए, तो उसके लिए उसके अंदर लगेगा पानी। अगर आप थोड़ा गीला खाना चाहते हो तो आप थोड़ा गीला भी इसको रख सकते हो, और अगर ड्राई खाना चाहते हो तो आप ड्राई भी कर सकते हो, पर ज्यादा मत पकाना। ज्यादा अगर आप पकाओगे ना तो ये जोला जितना सूख जाएगा उतना ये फिर टेस्ट देना कम कर देगा, क्योंकि सूखा जोला जो होता है वो अलग तरीके का होता है खाने में, और ये गीला जोला जो होता है वो अलग तरीके का होता है। तो थोड़ा सा मैं तो थोड़ा सा गीला ही रखती हूँ, आप भी इसको थोड़ा गीला ही रखना तो ये बहुत ज्यादा मजा देगा। अब इससे पानी में इसको थोड़ा आई थिंक 10 मिनट स्लो आंच पे पकने देना है, ताकि वो मसाले जोला और सारी चीजें मिक्स होके एक अच्छा मसालेदार जोला मसाला रेडी हो जाए हमारा। तो 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के स्लो आंच पे आप इसको छोड़ दीजिए। जैसे आपको मैं बताई थी कि 10 मिनट आप इसको स्लो आंच पे छोड़ दीजिए, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इसको बस 2 से 3 या 4 मिनट में आपको इसको उतारना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सब चीज़ों में धनिया छिड़का जाता है, तो इसमें लीली प्याज छिड़का जाता है, तो इस तरीके से आप लीली प्याज है जो, और जो पीछे का जो प्याज होता है वो भी थोड़ा सा आप ले लीजिए, क्योंकि वो टेस्ट लगता है जब आप खाने बैठोगे। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 4 मिनट दम के तौर पर ढक्कन लगा के छोड़ के फिर आप इसको उतार लीजिए। आपका जोला मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। और आपको जिस चीज़ में गेहूँ की रोटी में हो या चावल की रोटी में हो, जिसमें भी आपको खाना पसंद है आप इसको खा सकते हो। हम लोगों ने स्पेशली सोचा है कि आज चावल की रोटी के साथ इसको खाएंगे। तो चलिए ये अब 4 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो मैं जब प्लेट करूंगी तो बताती हूँ। अब हम करते हैं कटलेट्स की तैयारी। चलिए फिर आप रवा में जो हमने पैटीज बनाए थे उसको आकार भी दे दिए, तो फिर इसको रवा में आप ऐसे दबा के पूरे रख लीजिए। तो कैसे होगा, जब आप शेलो फ्राई करना हो या फिर आपको डीप फ्राई करना हो तो बहुत ईजी पड़ेगा। तो मैं पहले यही कर रही हूँ, सारे पैटीज को रवा के अंदर ऐसे अच्छे से लगा के, और रवा को झटक लेना क्योंकि कभी भी हम जब शेलो फ्राई करते हैं तो रवा पैन में हो या तवे में छूट जाती है, तो फिर वो बहुत ज्यादा काला पड़ जाता है। तो हमेशा आप जब ऐसे पूरा रेडी करोगे तो इसको इस तरीके से झटक लेना, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा जो रवा रहती है वो हमारी निकल जाती है। कटलेट्स रेडी कर रही थी, इसी तरीके से आपको बोल रही थी कि सारे आप रेडी कर लीजिए। तभी मैंने यहाँ पे ऑयल भी रख दी थी स्लो आंच पे, तो अब आप इसको एक एक करके यहाँ पे छोड़िए, और गैप रखना इसमें क्योंकि इसको पलटने के लिए हमको गैप चाहिए रहता है। तो एक साथ पूरा मत भर देना, 4 या 5 जैसे मैं आप कर सकते हो, आप जैसे इसको हैंडल कर सकते हो उसी तरीके से आप इसके अंदर पीस अरेंज कर दीजिए। जैसे आप इसको शेलो फ्राई कर लीजिए, ये देखिए, और ये शेलो फ्राई में ही ज़्यादा टेस्ट लगते हैं, और अगर डीप फ्राई करना चाहो तो वो आपकी मर्जी, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कभी डीप फ्राई मत कीजिए इसको, इसको आप शेलो फ्राई कीजिए और फिर स्लो फास्ट करके गैस को यूज़ कीजिए, और बहुत अच्छे आपके पैटीज ये रेडी हो जाएंगे। जैसे मैंने देखो रेडी कर चुकी हूँ पूरे, यहाँ मेरे पैटीज रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे देखो मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है, और चावल की रोटी आ चुकी है। तो फिर क्या कहते हैं, खाने बैठते हैं? तो चलिए फिर खाने बैठ ही जाते हैं। ये देखिए मेरा बेटा डाइट करता है ना, तो वो बोला मेरे को भी खाना है लेकिन मैं ये ऑयल वाला नहीं खाऊंगा। तो ये आपको मैं बताना चाहती हूँ, जो डाइट करते हैं हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चों को भी हम ये खिला सकते हैं। अब मैंने इसको पैटीज को जो इस तरीके से बनाए, पूरा प्रोसेस उसी तरीके से होगा। आप सिर्फ जो पैन रहेगा हमारा, पैन पे अगर नॉनस्टिक रहा तो बिल्कुल भी एक जरा सा आधा चम्मच टेबल स्पून भी अगर आप घी डालते हो तो बच्चे को चल जाएगा। तो मैंने वही किया, पैन में पहले पैटीज को छोड़ दी और अच्छे से थोड़ा सा उसको लाल होने दी, फिर आधा चम्मच घी उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे लगाई ताकि वो थोड़ा टेस्ट भी लगे और अच्छा भी दिखे। तो ये है डाइट वाले पैटीज, और जैसे मैंने आपको ये दिखाई, देखिए ये मेरी प्लेट बन चुकी है। तो मैंने सारा प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करी हूँ, और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मैं चाहूंगी कि मैं यहीं से मेरा ब्लॉग खत्म करूँ, बिकॉज इनके चैनल पे सारे जो अपलोड होते हैं तो रेसिपी वाले रहते, तो रेसिपी कहाँ पे बनती है, किचन में। तो मैं चाहूंगी किचन में ही मेरा ब्लॉग एंड करूँ। तो आप ये भी बनाइए और दोनों खाइए, और अगर किसी को अच्छा लगे तो क्या करना है आपको, सायरा सत्यानी किचन चैनल सब्सक्राइब करवाना है,
और अगर डेली व्लॉग में इंटरेस्ट आता है तो फिर शायद ऐसा तारी चैलेंज पे भी कर ही लेना यार। तो बस फिलहाल तो इतना ही, और मैं अब आज ये लंच बनाया, तो आप भी लंच एंजॉय कीजिए और हमेशा दुआओं में सबको याद रखिए, उसके साथ मैं हमेशा शामिल रहूंगी। अल्लाह हाफिज़।